नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y21 versus Oppo R76 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo Y21 में 6.46 इंच जबकि 76 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Vivo Y21 में 2.99 इंच जबकि 76 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Vivo Y21 में 0.31 इंच जबकि 76 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Vivo Y21 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo Y21 में 182 ग्राम्स जबकि 76 में 189 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Vivo Y21 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo Y21 में 6.51 इंचेस जबकि 76 में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo Y21 में 720x1600 और 76 में 720x1612 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo Y21 में 82.09% जबकि 76 में 83.48% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Vivo Y21 में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 76 में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo Y21 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और 76 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Vivo Y21 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 76 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Vivo Y21 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 76 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Vivo Y21 में पावर GE8320 जबकि 76 में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo Y21 में MediaTek Helio P35 और 76 में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो Vivo Y21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB की RAM मिलती है, जबकि 76 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Vivo Y21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 76 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Vivo Y21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज के साथ 13,990 रुपीस,
4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,490 रुपीस में मिलता है। और बात करें 76 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Vivo Y21 में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo A76 की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 76 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco C3 है, दूसरा Xiaomi Redmi 9 Prime है, तीसरा Vivo Y30 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo 20 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।